हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं जिसमें हम प्रूव करेंगे कि अगर दो सबस्पेसेस हैं तो उनकी इंटरसेक्शन भी क्या होगी, एक सबस्पेस होगी। यानी कि W1 W2 दो सबस्पेसेस हैं, उनकी इंटरसेक्शन यानी कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज़ ऑल्सो अ सबस्पेस। लेकिन यूनियन में ऐसा ज़रूरी नहीं है, यानी कि अगर हम दो स्पेसेस सब स्पेसेस की यूनियन कर दें तो वो अगेन एक सबस्पेस हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो सबस्पेसेस लेंगे W1 एंड W2, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, W1 एंड W2 ये मेरी क्या हैं, सबस्पेसेस हैं। अगर ये दो सब स्पेसेस हैं तो ऑब्वियसली पहली बात तो ये खाली नहीं होंगी। प्रूव क्या करना है, ये गिवन है मुझे कि ये इंटरसेक्शन, ये सब स्पेस है किसकी, वी ओवर फील्ड एफ की। तो प्रूव क्या करना है, टू शो मुझे प्रूव करना है W1 इंटरसेक्शन W2 इज़ अ सब स्पेस, है ना, सब स्पेस। तो सबसे पहले जिसको सब स्पेस प्रूव करना होता है उसमें से दो एलिमेंट लेने पड़ते हैं। लेट कर लिया मैंने एलिमेंट्स एक्स वाई, किस में से, W1 इंटरसेक्शन W2 में से। अगर ये W1 इंटरसेक्शन W2 में से है तो विच इम्प्लाइज़, देखो किसी को सबस्पेस प्रूव करना हो ना, किसी भी सेट को अगर मुझे सबस्पेस प्रूव करना है तो एक्स वाई ले लो उस सेट में से, उस सबस्पेस जिसको सबस्पेस प्रूव करना है उसमें से एक्स वाई ले लो और अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू W, ये चीज़ प्रूव कर दो। और अल्फ़ा बीटा किस में से होना चाहिए, फील्ड में से। तो मतलब मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है, एक्स वाई मैंने W1 इंटरसेक्शन W2 में से लिया इसको, और एक अल्फ़ा और बीटा ले लेती हूँ किस में से, फील्ड में से। अब प्रूव करना है कि अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। लेकिन इसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो एक्स वाई अगर W1 W2 इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है, मतलब एक्स वाई मेरा W1 में भी है एंड एक्स वाई मेरा W2 में भी है। तो अगर एक्स वाई W1 में है, अल्फ़ा बीटा फील्ड में है, तो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई ये मेरा किस में होगा, W1 में। कल थ्योरम की थी ना कि अगर सब स्पेस है तो कॉम्बिनेशन यानी कि अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई किस में होगा, W2 में। क्यों, साइड में रीज़न दे दूंगी, बिकॉज W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस, ठीक है, दोनों क्या हैं, सब स्पेसेस हैं, इसीलिए इनका कॉम्बिनेशन जो है एलिमेंट्स का वो भी W1 W2 को बिलोंग करते हैं। ये सेम एलिमेंट W1 में भी है, ये सेम एलिमेंट W2 में भी है, विच इम्प्लाइज अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई मेरा W1 इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन W2 में भी है, ठीक है। तो यही तो मैं चाहती थी कि एक्स वाई जो कि W1 इंटरसेक्शन W2 में आ रहा था, तो एक्स को अल्फ़ा से और वाई को बीटा से मल्टीप्लाई किया और वो भी W1 इंटरसेक्शन W2 में आ गया, विच इम्प्लाइज W1 इंटरसेक्शन W2 इज़ अ सब स्पेस। सब स्पेस है किसका, वी ओवर द फील्ड एफ का, ठीक है। इसके बाद है अब हम प्रूव करेंगे कि यूनियन ऑफ टू सब स्पेसिस में नॉट बी अ सब स्पेस। तो इसके लिए लेट करना पड़ेगा, एक एग्जांपल लेनी पड़ेगी हमें। कर लिया W1 एक सब स्पेस है जिसमें X1 X0 0 ऐसे एलिमेंट है, ठीक है। X क्या है, रियल। एक W2 लिया सब स्पेस, फिलहाल तो इसको सेट ही बोलूँगी, सब स्पेस है या नहीं ये अभी प्रूव करके दिखाऊँगी। ये दोनों तो सब स्पेस हैं, पहले तो ये प्रूव करूँगी, लेकिन प्रूव क्या करना है कि इनकी यूनियन जो है इज़ नॉट अ सब स्पेस, ठीक है। ये खुद तो सब स्पेसेस हैं, कैसे पता चला, आप चेक कर सकते हैं प्रूफ के लिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, दो एलिमेंट लिए U और V इसी के W1 के, पहले W1 को प्रूव करूँगी कि सब स्पेस है, फिर W2 को। U और V मैंने दो एलिमेंट लिए, दोनों ही किसके एलिमेंट्स हैं, W के, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा मैंने किस में से लिए, फील्ड में से है, मतलब रियल का जो फील्ड, फील्ड में से। तो U को मैंने अल्फ़ा से और V को मैंने बीटा से मल्टीप्लाई किया, तो मतलब अल्फ़ा एक्स 0 0 प्लस बीटा से मल्टीप्लाई किया X2 को और 0 0 ऐड किया इन दोनों को,
इन दोनों को ऐड किया तो ये बन जाता है, पहला पहले के साथ ऐड होगा और दूसरा दूसरे के साथ ऐड होगा। तो ये अगेन कैसा एलिमेंट बन रहा है, ये फर्स्ट पोजीशन पे रियल नंबर, बाकी दो जीरो, तो ये अगेन किसको बिलोंग कर रहा है, डब्लू वन को। सिमिलरली देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि डब्लू वन इज़ अ सब स्पेस ऑफ आर क्यूब, है ना। लेकिन इसी तरह से डब्लू टू भी सब स्पेस है। कैसे, यू एक एलिमेंट लूँगी, ज़ीरो वाई वन ज़ीरो, और वी एक एलिमेंट लिया ज़ीरो वाई टू ज़ीरो। अल्फ़ा बीटा मैं किस में से लूँगी, रियल में से, तो अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी करूँगी तो ये बन जाएगा ज़ीरो अल्फ़ा वाई वन ज़ीरो प्लस ज़ीरो अल्फ़ा बीटा वाई टू ज़ीरो। इन दोनों को ऐड किया तो ज़ीरो अल्फ़ा वाई वन प्लस बीटा वाई वन वाई टू कॉमा ज़ीरो। तो ये भी तो डब्लू टू को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि पहला और लास्ट ज़ीरो, बीच में एलिमेंट रियल है, तो ये डब्लू टू को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनके यूनियन को प्रूव करना है। अब देखो टू शो क्या करूँगी कि डब्लू वन यूनियन डब्लू टू इज़ नॉट सब स्पेस, नॉट सब स्पेस, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने एक एलिमेंट लिया डब्लू वन में से, जो एलिमेंट लिया वो है एक्स ज़ीरो ज़ीरो, ये लिया डब्लू वन में से, और एक एलिमेंट लिया किस में से, डब्लू टू में से, ज़ीरो वाई ज़ीरो किस में से, डब्लू टू में से। ऑब्वियसली अगर इन दोनों को इकट्ठा देखूँ तो ये दोनों एक्स ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो वाई ज़ीरो, ये दोनों किस में होंगे, डब्लू वन यूनियन डब्लू टू में तो होंगे, क्योंकि डब्लू वन यूनियन डब्लू टू में तो डब्लू के एलिमेंट वन के भी आएंगे और टू के भी आएंगे, तो यूनियन में दोनों एलिमेंट्स तो होंगे ही। तो यूनियन में से अगर दो एलिमेंट्स मैंने उठाए और इसको अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दूंगी, अल्फ़ा बीटा मैंने लिए रियल मतलब फील्ड के, तो अल्फ़ा से अगर पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया प्लस बीटा से दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, और मैं चाहती हूँ अगर ये सब स्पेस होता तो इनकी कॉम्बिनेशन भी इसको बिलोंग करनी चाहिए थी, जो कि नहीं कर रही। कैसे, ये इसको सॉल्व करूँगी तो क्या बनेगा, अल्फ़ा एक्स ज़ीरो ज़ीरो प्लस बी ज़ीरो बीटा वाई ज़ीरो, इनको ऐड किया तो ये बन जाएगा अल्फ़ा एक्स कॉमा बीटा वाई ज़ीरो। ये ना तो ये यूनियन में नहीं आ रहा, क्यों ना, तो ये इस तरह का एलिमेंट, बिकॉज ना तो अल्फ़ा एक्स बीटा वाई ज़ीरो, ना तो ये डब्लू वन को बिलोंग करता है, है ना, ना तो ये डब्लू वन को बिलोंग करता है, ना ही ये अल्फ़ा एक्स और बीटा वाई ज़ीरो, ना ही ये डब्लू टू को बिलोंग करता है, क्योंकि अगर ये डब्लू वन को बिलोंग करता तो यहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए था, और अगर ये डब्लू टू को बिलोंग करता तो यहाँ होना चाहिए था। ना ये डब्लू वन में है, ना ये डब्लू टू में है, तो यूनियन में कहाँ से आएगा, तो इसीलिए यूनियन इज़ नॉट अ सब स्पेस, बिकॉज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स टू एलिमेंट्स अगेन इसको बिलोंग नहीं कर रहे हैं।